देश का एक्सप्लोर करना फेमस प्लेस। और आज हमारा इसी देश का गेटू है। अमेरिका हो गया। अब मैं जा रहा हूँ नीलकंठ टेंपल देखने। चलिए चला जाए एक्सप्लोर करने के लिए। मेरी कैब आ गई और मैं चल गया अभी बैठे नीलकंठ लिए। ऋषिकेश से नीलकंठ टेंपल 32 किलोमीटर दूर है, तो हमें नीलकंठ टेंपल पहुंचने में अप्रोक्स 1 आवर लगेगा। और आज ऋषिकेश में बारिश हो रही थी, इसी आज यहाँ का मौसम बहुत सुहाना था। फ्रेंड मेरे चैनल को सपोर्ट करें। अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए यहाँ का नज़ारा कितना सुंदर है और हम धीरे धीरे नीलकंठ टेंपल की तरफ बढ़ रहे हैं। आज नीलकंठ टेंपल के रास्ते में बहुत ट्रैफिक था। हमें नीलकंठ टेंपल पहुँचने में 3 आवर लग गए। फाइनली हम नीलकंठ टेंपल पहुँच गए। ये वहाँ का पार्किंग एरिया है। नीलकंठ टेंपल के पास मार्केट भी है जहाँ से आप पूजा के सामान ले सकते हो। चलिए अब हम नीलकंठ टेंपल के अंदर चल के हैं और ये एंट्री गेट है। अभी हम टेंपल के अंदर जा रहे हैं। टेंपल में फ्री एंट्री थी। टेंपल के अंदर जाने के लिए बहुत लंबी लाइन थी, हमें भी लाइन में लगना पड़ा। सब यहाँ पे हर हर महादेव का नारा लगा रहे थे। हमें मंदिर के अंदर जाने पे 15 से 20 मिनट लग गए। फैमिली अब हम मेन मंदिर के अंदर एंट्री कर रहे हैं। ये मंदिर के अंदर का एरिया है। मैं हूँ अभी नीलकंठ टेंपल के अंदर और ये है नीलकंठ टेंपल की मंदिर। आपको इस मंदिर का स्टोरी तो पता ही होगा। जब समुंदर मंथन हो रहा था उसमें से नीले रंग का विष निकला था जिसे शंकर भगवान ने पी लिया था, जिससे उनका गला नीला पड़ गया था। इसलिए इस जगह पर आकर तप किया था, तभी से इस मंदिर का नाम नीलकंठ टेंपल पड़ गया। नीलकंठ टेंपल के आजू बाजू और छोटे छोटे मंदिर है। चलिए और दूसरे मंदिर भी देखते हैं। इस जगह धूप भी खा सकते हैं और यहाँ पे कुंड भी था जिसमें सभी लोग स्नान कर लेते। मैंने आपको पूरा नीलकंठ टेंपल दिखा दिया। चलिए आओ अब हम चल के टेंपल के बाहर। और ये टेंपल के बाहर जाने का रास्ता है। टेंपल के बाहर बहुत अच्छा नजारा था देखने के लिए। चलिए अब हम चल के अपने गाड़ी के पास और अब हम वापस चल रहे हैं ऋषिकेश की तरफ। अब मैं अपना ब्लॉग यहीं पे एंड करता हूँ। मिलके ऋषिकेश के न्यू प्लेस के साथ। मेरा ब्लॉग कैसा लगा? मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।